अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये जो साहब जी है ना, हमारे बेटे साहब, ये वाले एकदम से उठ के बैठ गए। ये कह रहे हैं मुझे क्या खाना है, पराठा। चाय पराठा की फरमाइश आई है। बड़ी कोशिश की कि इसको सुला दूं, बेटा उठ के खाएंगे, सो जाओ। नहीं भाई नहीं, इसको तो अभी खाना है। और ये साहब जी तो हमारे सो रहे हैं, इसको पता चला तो इसने भी उठ जाना है। इसके ऊपर ब्लैंकेट दो बेटा। और अभी फिर मैंने सोचा कि चले कुछ करते हैं इसका हल। तो क्या हल करें हसन, इसका क्या हल किया जाए? किसका ये जो आपका दिल चाह रहा चाय पराठा खाने को, पराठा कहो कहो। ये देखें जी, फरमाइश हो गई है पूरी। बाबा लेके आए हैं, ये देखें पराठे, साथ में है पूरियां। चले जी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नाश्ता क्योंकि हमारा जल्दी हो गया था, तो अब अतीक साहब जो है वो जा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को इनका नया ड्रेस दिखाया ही नहीं था, जो कि इनको मैंने गिफ्ट किया है। अतीक, आपको पसंद आए? किसने मैंने नहीं किया, आधा अगर नहीं किया तो पैसे वापस कर दो अभी के अभी, आधा जल्दी गिफ्ट करो किया, पैसे वापस, पूरा गिफ्ट करो। पूरा गिफ्ट करो ना, शुक्र ही ना किया करो। देख एक मिनट रुकना, अच्छा ये मैं इसकी कढ़ाई दिखा रही हूँ, ये देखें। ओ माशाल्लाह, कितनी प्यारी सुषमी। थोड़ा पीछे हो ना भाई, एक मिनट से करने दो, दिल चाह रहा है। देख एक मिनट से करने दो यार, एक सेकेंड रुको तो सही, एक मिनट मुझे ऐसे करने का दिल कर। अच्छा जी, ईद के बाद जो है ना, ये एक चीज तो याद ही नहीं, जाओ अल्लाह के वाले, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी दुआ आपके साथ है। फिर तुमने पीटना था, ओ याद आया, पैसे दे दो। अस्तफिर मैं वीडियो में ऐड करूंगी मुझे कितने पैसे दे रहे हो सब्जी के लिए। यार ये वाला नोट एक पकड़ा दो, क्या बच्चों की तरह खेल रहे हो, एक और दे दो यार, ये वापस लो मुझे वो दो, क्या बच्चों की तरह लगे हुए, यही दे दो। थैंक यू सो मच, शुक्र दे दिया है। चलो मेरे पास 800 हो गए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। यहाँ कहाँ जा रहे हो बाय द वे, हैं? ये मेरी जान की टुकड़ी क्या कर रही थी मेरी प्यारी सी शहजादी? नहीं मेरी जोनी, नहीं बोल क्या गुण? क्या ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, ये भी कारोबार ही करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, अनदर वीडियो। अच्छा जी, ये सुबह गए थे, वहाँ से आगे मैं ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। अभी खाना खा रहे हैं, ठीक है। और साथ में न्यूज़ सुन रहे हैं, मैं भी खाना खाऊंगी, मेरी भी इसमें रोटी है। चलो शुरू करते हैं। चलो अहमद अशर, आंटी को जाने दो आप। अच्छा मैं लेके ऐसे जाओ, किधर है मानो, लेके आओ। उसको पता है कि आप जा रही हैं। पता नहीं खुद उठाएगा बेटा, हसान बेटा ये खुद ही उठा के लाएगा। कह रहा मुझे पकड़ाओ, वो हसान से कह रहा है मुझे पकड़ाओ।
जाओ जाओ, चलो नहीं नहीं करो, नहीं नहीं अभी जाएगा, अब जाएगा। अच्छा आंटी अल्लाह हाफिज़, ये जाए। दरवाजा बंद हो गया। चलो बेटा अभी आते हैं ना, अबू जी फिर जाना, ठीक है सन जी। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका हर वक्त ये मुंह क्यों बना रहता है बाय द वे? तुम्हें ही लगता है मेरा तो नहीं मुंह बना होता। ये देख, क्योंकि अक्सर कमेंट्स भी मुझे आते हैं। खाना खा के बताना कैसा बनाया मैंने। ओके इसी को कहती हूँ मुंह बनाओ। तुमने नहीं बनाया, आपने बनाया। आग ने बनाया। ये देखिए ना, हम जो हमारा खाना था ना अब्बू जी की तरफ, तो मेरी भाभी ने ना मुझे साथ में चावल डाल के दिए थे, बहुत मज़े के चावल हैं। मज़ा आ गया, ऐसी तारीफ करते हैं दिल। वाह अमेजिंग, बस पुत्र जिंदाबाद। इसके ऊपर वैसे भी कमेंट्स आए हुए थे, आप मजाक उड़ाया। मजाक नहीं उड़ाया हुआ था, हम उनका नाम लेके वायरल होने की कोशिश करते। मेरा मानना किसी का नाम लेके वायरल होना बेवकूफ़ी है। मजाक कर रही हूँ यार, हमें अच्छा लगता है, हम उन अंकल जी को अप्रिशिएट करते हैं, वो जो कहते हैं ना, अच्छा लगता है यार, ये बात है, वरना बुरा नहीं लग, अगर किसी को बुरा लग रहा हो ना तो हम माजरत चाहते हैं। मैं भी माजरत चाहते हैं, हम उनको देखना पसंद नहीं करते। किन को? बशर पुत्र लोगों को। क्यों? ये कंट्रोवर्शियल ना बनाओ मेरे व्लॉग को, मैं बंद कर रही हूँ। हसन क्या कर रहे हैं आप? चलो आज अभी खाना खाएंगे। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं बाबा के घर पर और खाना खाने लगे। अभी बाबा लोग नमाज़ पढ़ने गए हैं, मैंने कहा चलो नमाज़ के बाद खाना खाते हैं। तो तब तक मैंने सोचा ज़रा घर का थोड़ा विज़िट कर लें, काफ़ी अर्से के बाद चक्कर लग रहा है घर में, तो ज़रा थोड़ा सा इधर उधर घूम फिर लें और देखें कि कैसा लगता है। अच्छा लगता है यार, वो जब छोटी होती थी यहाँ पे खेला करती थी, यहाँ पे हम चप्पन छुपाई खेल रहे थे, इन पिलर्स के पीछे छुप जाते थे। बहुत सारी यादें हैं, सारी यादें इस घर में, बहुत सारी नहीं है, सारी इस घर में। एक ये बेडरूम है भाई का, और भाई भी चला गया दुबई। उमर फारूक अपने बेडरूम को देख लो, ऐसे यहाँ पे अब बाबा होते हैं। और चले आ जाओ बेटा, उधर बैठे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ सान। तो खाना खाते हैं अभी, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर जी अहमद हसन साहब इतने खुश हो रहे थे ना, पूरे घर में घूम रहा था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा था और कैबिनेट्स को खोल रहा था कि ज़रा मैं इसमें तलाशी लूँ, तलाशी ले रहा था अभी। अच्छा तो मैं इसको पकड़ रही थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। यहाँ पर ना भाभी जो माशाल्लाह से जो ना खाना उन्होंने काफ़ी अच्छा और बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा कुछ बनाया हुआ था। तो यहाँ पर वो जो वो ना उन्होंने मटन वाइट हांडी बनाई थी, और आपको पता है वाइट हांडी में जो क्रीम है ना वो बिल्कुल एंड पे जब सर्व करने लगते ना तब डाली जाती है। तो यहाँ पर जो ना वो क्रीम ऐड कर रही थी भाभी, और यकीन करें इतना मज़े का खाना था, सभी कुछ बहुत टेस्टी बना हुआ था और बहुत मज़ा आया। खाना खाया, टाइम स्पेंड किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को विज़िट करा लूँ कि क्या क्या कुछ था। अच्छा सैलेड था, उसमें ग्रीन चिली भाभी ने रखी हुई थी, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि मुझे जो है ना सबस मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सैलेड के साथ ग्रीन चिली ज़रूर रखी थी। और यहाँ पर जी अहमद हसन साहब खूब इन्जॉय कर रहे हैं, कभी तो यहाँ तो कभी वहाँ। तो मैंने इसके वाला ड्रेस पहनाया था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने आप लोग को शायद बताया भी होगा, बल्कि दिखाया था मैंने आप लोग को। तो क्योंकि हम लोग ही थी बस, हम छोटी सी फैमिली थी, तो यहीं पर टेबल पे जो है हमने सब ने मिलकर खाना खाया था, बाबा भाई भाभी हम सब ने मिलकर। तो खाने में ये देखिए जी कढ़ाई है, अभी खाना वगैरह रख रही थी भाभी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से क्लिप ले लो, फिर सबके सामने ना क्लिप मैंने लेना नहीं था, मैं ले नहीं पाती ना, क्योंकि ज़रा भाई है ना तो उसके सामने वैसे ही मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ इस चीज़ से।